गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई कृष्ण कुमार दीक्षित इज हेयर टू टेल समथिंग अबाउट द स्कीम दैट अवर गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड, दैट इज अग्निपथ स्कीम। सो लेट्स बिगिन विद अ बेसिक नॉलेज अबाउट दिस स्कीम। What is Agnipath scheme? Under the scheme, around 45,000 to 50,000 soldiers will be recruited annually and most will leave the service in just 4 years. यानी कि इस स्कीम के तहत 45,000 से 50,000 सैनिक की भर्ती होगी, लेकिन उसमें से कुछ सैनिक ही देश की सेवा 4 साल के लिए ही कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि जो टोटल 100% यानी कि 50,000 सैनिक की भर्ती हुई है, उनमें से केवल 25% ही आगे की अपनी नौकरी यानी कि जो देशभक्ति दिखाने का माध्यम रहेगा वो 15 साल आगे बढ़ा सकते हैं, जिनकी नौकरी परमानेंट हो जाएगी। और वही लोग आगे परमानेंट फोर्स लेवल्स में भी काम करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? द न्यू सिस्टम इज़ ओनली फॉर पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक, यानी कि जो किसी भी ऑफिसर रैंक में नहीं है उन्हीं के लिए ये स्कीम है। और ये स्कीम उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिनकी एज 17 से 21 साल है और वो आर्मी फॉर्म के लिए एप्लीकेबल है। अंडर दिस स्कीम एस्पिरेंट बिटवीन द एजेस ऑफ 17.5 ईयर्स एंड 21 ईयर्स विल बी एलिजिबल टू अप्लाई। The recruitment standard will remain the same and recruitment will not, sorry, the recruitment will done twice a year through rallies, यानी कि जो इसका eligibility criteria है उसमें जो person eligible होंगे उनका recruitment हर साल में 2 बार होगा, जो कि एक rallies के through होगा। चलिए इसके बारे में और हम जानते हैं। फाइनेंशियल पैकेज यानी कि जो ये अग्निपथ स्कीम को जो युवा ज्वाइन करेंगे उन्हें हम अग्निवीर कहेंगे, यानी कि जो ये अग्निवीर है उनको कौन सा फाइनेंशियल पैकेज मिलेगा? उनको जो फर्स्ट ईयर होगा उसमें 30,000, सेकेंड ईयर में 33,000 एंड थर्ड ईयर में 36,000 एंड फोर्थ ईयर में 40,000 का पैकेज मिलेगा, जो कि एक सैलरी के रूप में होगा। उसमें से 70% जो होगा पार्ट वो इनके हाथों में दे दिया जाएगा और 30% जो है वो सेवानिधि रख लेगी, जो कि लास्ट में आपको या रिटायरमेंट यानी 4 साल के बाद में 11.71 लाख एज अ सेवानिधि पैकेज के रूप में वही आपकी सैलरी आपको वापस करेगी। आफ्टर अ सिलेक्शन यानी कि अग्निपथ स्कीम में सिलेक्शन होने के बाद क्या होगा? आफ्टर अ सिलेक्शन देयर विल बी अ 6-month ट्रेनिंग एंड देन will be deployed for 3.5 years. During this period they will get a starting salary. फिर से वही बातें यही बताएगी कि सिलेक्शन के बाद 1-6 महीने की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद उन लोगों को सैलरी दी जाएगी। जैसा कि मैंने बताया, फर्स्ट ईयर में 13,000, सेकेंड ईयर में 33,000, थर्ड ईयर में 36,000 एंड फोर्थ ईयर में 40,000। चलिए और इसके बारे में हम कुछ जानते हैं। However, after 4 years, only 25% of the batch will be recruited back into their respective services for a period 15 years. For those who are reselected, the initial 4-year period will be not considered for retirement. इस last point में बहुत ही important बात बताई गई है कि जब 4 साल की ड्यूटी पूरी हो जाएगी उसके बाद जो 25% लोग रहेंगे उन्हें परमानेंट रखा जाएगा, उन्हें 4 साल के जो बेनिफिट्स अभी मैंने बताए हैं, जो 11.71 लाख का पैकेज मिलेगा सेवानिधि वाला, वो बेनिफिट्स इन लोगों को नहीं मिलेंगे जिसका रिक्रूटमेंट परमानेंट हो जाएगा। व्हेन डज द रिक्रूटमेंट बिगिन यानी कि इसकी भर्ती कब चालू होती है? रिक्रूटमेंट 3 महीने यानी 19 डेज के अंदर चालू हो जाएगा, जब भी नोटिफिकेशन जारी होगा। ऑल इंडिया ऑल क्लास, इसमें बहुत ही मेन वर्ड बताए गए हैं कि कोई बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के इस रिक्रूटमेंट में सर्विसेज दी जाएंगी। दिस इज़ अ स्पेशली सिग्निफिकेंट फॉर द आर्मी वेयर द रेजिमेंट
सिस्टम हैज़ अ रीजन एंड केस बेसिस विद द टाइम। यह बताया गया किसी भी प्रकार का भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आप चाहे जिस जात से हो, चाहे जहाँ से हो, आपको ये आर्म फोर्सेस को सर्व करने का, अपने नेशन को सर्व करने का मौका मिलेगा। बेनिफिट टू आर्म फोर्सेस, यानी हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उनको क्या बेनिफिट स्कीम मिलेगा। एवरेज एज ऑफ द आर्म फोर्सेज विल गो डाउन टू 26 ईयर फ्रॉम 32 ईयर्स। यानी कि जो हमारे सैनिकों की एवरेज एज थी वो 32 ईयर से 26 ईयर हो जाएगी, जिसके कारण आर्म फोर्सेस को जो नए सैनिक होंगे उन्हें नई टेक्नोलॉजी के साथ में अवेयर करना, ट्रेन करना बहुत ही इजी हो जाएगा। इट विल इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ द स्किल एंड द एक्सपीरियंस अकर्ड ड्यूरिंग द 4 ईयर सर्विस। इसमें यानी कि बेरोजगारी की जो समस्या है उसमें भी सुधार होगा। इसमें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बनेंगी, क्योंकि ये जो 4 साल की पहले ट्रेनिंग होगी, जो 4 साल का रिक्रूटमेंट होगा, जो कि मेन चीज बताई गई है इस स्कीम में, उसमें हमारे आर्म फोर्सेस को बहुत मदद मिलेगी। चलिए इसके बारे में और थोड़ा जानते हैं। और जो ये 4 साल का बेसिक ड्यूटी देकर जाएगा, उन्हें सर्टिफिकेट भी मिलेगा और उन्हें ब्रिजेस कोर्सेज और स्किल सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे, ताकि उसके बाद अगर वो कोई भी ड्यूटी करके नेशन को सर्व करना चाहते तो उसमें उनको छूट मिलेगी। एडवांटेजेस ऑफ इनिशिएटिव, यानी जो ये पहल, यानी कि जो एक प्रकार का आंदोलन है, आंदोलन के पहल ही मान लेते हैं इसे, पहल मतलब कोई भी एक स्कीम निकाली गई है तो उसमें उसके क्या फ़ायदे रहेंगे। इट प्रोवाइड्स अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू द यूथ टू सर्व नेशन एंड कंट्रीब्यूट टू नेशन बिल्डिंग। यानी कि इसमें बताया गया है कि इस स्कीम के थ्रू जो यूथ, हमारे देश के युवा हैं, उनको बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है कि वे अपनी देशभक्ति का प्रदर्शन कर सके। और इसमें जो है हमारी आर्म फोर्सेस को भी होगा, और इसे अट्रैक्टिव फाइनेंशियल पैकेज फॉर द अग्निवीर, यानी जो इस स्कीम को ऐड होंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा, और इनको फाइनेंशियल पैकेज दिया गया है, जिससे मतलब यानी जो हमारे देश के युवा हैं उन्हें लुभाने के लिए अट्रैक्टिव फाइनेंशियल पैकेज दिया गया है। और इन हमारे भारत देश के युवाओं के पास बहुत ही अच्छा मौका है कि वो अच्छे से ट्रेंड हो सके। बेसिकली इस स्कीम का यही मोटो है कि जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन होती है उसी को कम करना। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।